नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। गुरुवार को कांग्रेस पार्टी द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय पर किए गए मौन प्रदर्शन में हुए लाठीचार्ज और दर्ज किए गए प्रकरणों को लेकर डीआईजी को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की गई। गौरतलब है कि गुरुवार को इंदौर जिले के समस्त कांग्रेसी रैली की शक्ल में के रूप में प्रदर्शन करते हुए बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए थे। इस मौन रैली में मुख्य रूप से जिले के सभी विधायक और कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे, लेकिन धारा 186 के उल्लंघन सहित बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित करने को लेकर पुलिस ने चेतावनी दी और कार्यक्रम रद्द करने की बात की थी। नहीं मानने पर पुलिस ने कांग्रेसियों के ऊपर लाठीचार्ज का प्रयोग किया, जिसमें कई कांग्रेसी घायल हुए थे। इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने दो अलग अलग मामले भी दर्ज किए हैं, लेकिन जिन लोगों पर मामले दर्ज किए गए वे लोग मौके पर मौजूद भी नहीं थे। लिहाजा पुलिस द्वारा किए गए इस बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला, जीतू पटवारी, सराध्यक्ष विनय बाकलीवाल, पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल सहित कई कांग्रेस नेता शुक्रवार को डीआईजी मनीष कपूरिया से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने डीआईजी के सामने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि जिला प्रशासन और पुलिस भाजपाई मानसिकता का काम कर रही है और प्रदेश सरकार के इशारे पर मोहन का दर्शन कर रहा है। कांग्रेसियों पर लाठीचार्ज किया गया, साथ ही मौके पर जो लोग मौजूद नहीं थे उन पर भी मामला दर्ज कर लिया गया। इन सभी मामलों की निष्पक्ष जांच की जाए। पूरे मामले की जानकारी देते हुए विधायक जीतू पटवारी ने बताया कि जो लोग मौके पर मौजूद नहीं थे उनके खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने का मामला भी दर्ज किया गया है, जिसकी निष्पक्ष जांच के लिए सभी कांग्रेसियों ने इकट्ठा होकर डीआईजी को ज्ञापन दिया है। वहीं इंदौर से एक विधायक संजय शुक्ला ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश की जनता परेशान हो रही है, धार्मिक त्योहारों की अनुमति नहीं दी जा रही है, लेकिन भाजपा द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा के लिए अनुमति दे दी जाती है। जब कांग्रेस कार्यकर्ता मौन प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें लाठियां खानी पड़ती हैं, वाटर कैनन का प्रयोग किया जाता है। जनता अभी मौन है, इसका जवाब 2023 के चुनावों में देगी। ज्ञापन की जानकारी देते हुए डीआईजी मनीष कपूरिया ने जानकारी दी कि कांग्रेस के नेताओं ने ज्ञापन देकर लाठीचार्ज और दर्ज प्रकरण में जांच की मांग की है। पूरे मामले की जाँच की जाएगी। ये कल कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया था कलेक्ट्रेट पे और उस क्रम में कुछ अपराध दर्ज हुए थे, उसके संबंध में उन्होंने अपना पक्ष प्रस्तुत किया है, ज्ञापन प्रस्तुत किया है और अपेक्षा की गई है कि उस पर कार्रवाई की जाए। सर, कितने लोगों पर मामला दर्ज किया गया और कौन कौन विधायक हैं? दो प्रकरण दर्ज किए गए हैं, एक 188 के तहत, एक 353 के तहत, उसके डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। कितने लोगों पर किया गया है? एक काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जितने थे उन सब पर कार्रवाई की गई। विधायक कितने? विधायकों के नाम उसमें नहीं है। विधायकों के नाम नहीं? जी नहीं। सर, कांग्रेस का कहना है कि जो लोग वहाँ मौजूद नहीं थे उनके खिलाफ भी आप लोगों ने केस दर्ज किया है। जी हाँ, उसका इन्वेस्टिगेशन होगा और यदि कोई उसमें ऐसा पाया जाएगा तो उस पर भी समुचित कार्रवाई। हम देश से मिले हैं, ये इंदौर नहीं, इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि इंदौर में कोई प्रदर्शन कर रहा हो उस पर 353 धारा लगाई गई, 188 धारा लगा। हमने ऐसा कोई उल्लंघन नहीं किया, हमने परमिशन लेके मौन जुलूस के रूप में हम तो प्रदर्शन करने गए थे, परंतु वहाँ पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया और हम सब पे हमारे कुछ कार्यकर्ताओं पर 353 लगा दी गई, उसके लिए आए। परंतु आज तक इतिहास में कभी जिसने धरना प्रदर्शन किया होगा 353 धारा नहीं लगी है, परंतु पहली बार ऐसा हुआ कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दबाया जा रहा है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा, जिससे कांग्रेस के कार्यकर्ता मैदान में नहीं आए। परंतु कांग्रेस के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है, लगातार अब एक नहीं 10-10 आंदोलन करेंगे, हम सब आएंगे, कभी 353 धारा नहीं हटती है। तो 4 दिन बाद ये SP ऑफिसर के सामने भी धरना दिया जाएगा, क्योंकि 353 धारा हटाए, 188 धारा लगी है, एक नहीं हम 100 लगाए, हम लगने तैयार है। हमको मारे या कूटे कुछ भी करें, हम जनता हमारी भगवान है, उसके लिए लड़ते रहेंगे। हमारे कई कार्यकर्ताओं को मारा, मुझे तक को मारा, आपने देखा होगा, परंतु उससे डरने वाले नहीं है, जितने भी केस लगेंगे उसके लिए हम तैयार हैं। कभी 4 दिन में धारा नहीं हटती है तो हम फिर आंदोलन किया जाएगा। कितने लोगों पर मामला दर्ज किया है? 500 लोगों पे किया है, 500 लोग कार्यकर्ताओं पर किया, हम सभी विधायकों सब पे किया, सब पे धारा एक से ही लगना चाहिए, 188 लगाएं या 353 लगाएं, हम लोग तो ऊपर थे या जो माना ऐसी कोई शासकीय बांधा हमने एक भी उल्लंघन नहीं किया। वहाँ पर आप सब देखने वाले, रोड पर प्रदर्शन चल रहा था, परंतु ये जो धारा लगाई है सिर्फ हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दबाने के लिए लगाई गई, उससे हम डरने वाले नहीं है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर।